So my friends, today I will show you how to make a website so for use blogger. So आइए friends start करते हैं. Friends, आज से हम लोग start करेंगे blogger के blogger सीखना start करेंगे कि हम लोग blogger में website किस तरह create कर सकते हैं, उसको customize किस तरह करना है, उसमें menu bar किस तरह बना सकते हैं और अपनी एक मुकम्मल वेबसाइट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे कि एक मेरे पास ये आप लोगों के सामने एक वेबसाइट शो हो रही है, एक ये वेबसाइट है. तो आज से हम लेसन स्टार्ट करेंगे. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप लोग इस वेबसाइट को क्रिएट किस तरह कर सकते हो और डोमेन वगैरह नेम वगैरह लगा कर सिर्फ क्रिएट किस तरह कर सकते हैं. कस्टमाइज वगैरह जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आने वाली वीडियोज़ में. तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना गूगल ओपन कर लेना है और अपना जीमेल लगा लेना है, जिस जीमेल पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को गूगल ऐप्स की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, तो बटन बना हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ नीचे ड्रैग करना है और यहाँ पर आप लोगों को ब्लॉगर की ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इस ब्लॉगर को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको क्रिएट योर ब्लॉग ऑप्शन आ रही है, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को गूगल अकाउंट पूछेगा क्योंकि आपने किस अकाउंट पे बनाना है. तो मैं ये वाला अकाउंट जिसके ऊपर मैंने इसको क्रिएट करना है वेबसाइट को, तो मैंने इसमें ये अकाउंट लगाया. तो यहाँ पे मुझसे टाइटल पूछ रहा है, जो डिस्प्ले नेम होगा वेबसाइट का, आप लोग अपनी मर्जी का यहाँ पर नेम लगा सकते हैं. मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स और मैं कंटिन्यू टू ब्लॉग पर क्लिक कर देता हूँ. तो यहाँ पर मुझे वेलकम पेज है, क्रिएट अ न्यू ब्लॉग, और यहाँ पर जो टाइटल पूछ रहा है, टाइटल आप लोग अपनी वेबसाइट का टाइटल देंगे. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हमजा सॉफ्टवेयर्स. तो जैसा कि मेरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा, मैं इसमें सॉफ्टवेयर अपने अपलोड करूँगा. और यहाँ पर एड्रेस पूछेगा, तो एड्रेस आप लोगों ने देना है, मतलब जो आप लोगों का URL होगा वो यहाँ पर आप लोगों ने देना है कि आपका URL क्या होगा. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ नीचे ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे बताएगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं. तो यहाँ पर टिक का निशान आ गया, मतलब ये अवेलेबल है मेरे ये डोमेन. तो मैं अगर यहाँ पर एक एक काम करता हूँ हमजा सॉफ्टवेयर, तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है. अगर मैं यहाँ पर खाली सॉफ्टवेयर लिखूँ, हमजा हटा देता हूँ, तो यहाँ देखना अभी ये देखिए एरर आ गया कि उन्होंने कहा ये डोमेन अवेलेबल नहीं है. तो मैं वापस यहाँ पर हमजा कर देता हूँ, हमजा सॉफ्टवेयर डॉट ब्लॉगर्स डॉट कॉम. तो ये मेरा एड्रेस होगा. तो फ्रेंड्स, यहाँ इसके बाद एड्रेस आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का नेम ऐसा रखना है जो पहले कभी किसी ने ना रखा हो. इससे क्या होगा, इससे जब आप लोगों की वेबसाइट कोई भी गूगल के ऊपर सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी, आपका नेम सबसे ऊपर होगा वेबसाइट का. तो नेम कोई ऐसा होना चाहिए यूनिक जो पहले कभी किसी ने ना रखा हो. तो आगे ये नीचे जो आ रहे हैं, ये हमारे पास थीम्स आ रहे हैं कुछ, अगर आप लोग इनमें से कोई यूज़ करना चाहते हैं थीम, तो उस पर आप लोग सेलेक्ट करके सिंपल वो थीम अप्लाई हो जाएगा. तो फिलहाल मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्रिएट अ ब्लॉग, क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ. तो यहाँ से मैं देखें व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये मेरा URL एड्रेस है हमजा सॉफ्टवेयर डॉट ब्लॉगर्स डॉट कॉम. तो ये देखें, ये हमने नेम दिया था इसको. तो ये हमारे पास वेबसाइट इस टाइम शो हो चुकी है, ठीक है. तो अभी हमने इसमें कुछ कस्टमाइज वगैरह करनी है, तो वो जो है वो नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको कस्टमाइज़ किस तरह करना है. नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग इसके अंदर थीम किस तरह, अगर हमने कोई बाहर से थीम जो मैंने यूज़ किए हुए वेबसाइट में आप लोगों को दिखाए थे मैंने कुछ इस टाइप के थीम किस तरह से डाउनलोड करने हैं और कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल करनी है, तो वो मैं आपको लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे और कहाँ से डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल करनी है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.